डिसेस किए थे बाबू? लास्ट क्लास में हम लोग कुछ डिसेस किए थे, टाइम एंड वर्क का टॉपिक था, और यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा चल रहा था? अच्छा 14 तक पहुँच गए थे, वेरी गुड। 14 हम लोग क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे थे मेरे भाई, और 14 का कौन सा क्वेश्चन? थर्ड, टू तक कर लिए थे ना। 14 का पार्ट थर्ड यानी थर्ड कंडीशन में हम लोग लेके चल रहे थे। आपने बनाया होगा इस क्वेश्चन को, ट्राई किए थे आप लोग, टाइम मिला था आप लोग को? बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए समझिएगा बाबू, यहाँ पर थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कि देखो जी, ए और बी किसी काम को, यहाँ पर तो यह कॉमन है सभी के लिए, देखो ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 10, 12 और 15 दिन, पहला काम आपको यह करना था। 10, 12, 15 का आप एलसीएम निकाल लेते, कितना आएगा दोस्तों? 60। यहाँ तक सही बच्चों को आना चाहिए, ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। 10 छः के 60, 12 बजे 60 और 15 छः के 60, यह काम आपने कर लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन में आ जाओ, कंडीशन नंबर कौन सा है? थर्ड। थर्ड कंडीशन क्या कर रहा है कि तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, मतलब ए बी और सी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ए बी और सी, ए बी और सी एक साथ काम को शुरू कर दिए, ए बी एंड सी तीनों एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम को ड्रॉप कर दिया। तो तीनों एक साथ काम किए होंगे ना बाबू 3 दिन तक? Yes, 3 दिन के बाद ना ड्रॉप किया, तो 3 दिन साथ में काम किए होंगे। बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो जैसे ही काम पूरा होने वाला था, काम पूरा होने वाला था, 1 दिन पहले कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। तो बी अगर छोड़ दिया काम पूरा होने से कितना दिन पहले? 1 दिन पहले। तो 1 दिन पहले अगर मैं बात करूं, 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले कौन काम पर नहीं आएगा? बी नहीं आएगा। इसका मतलब ए और सी काम पर आए होंगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हाँ जी, अच्छा ए छोड़ दिया, अच्छा ए पहले छोड़ दिया है ना, ए 3 दिन के बाद छोड़ दिया है, हाँ वेरी गुड। देखिए समझ जाना, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन के बाद छोड़ दिया है, तो पहले ही छोड़ दिया, तो हम उसको फिर से यूज नहीं करेंगे। बी काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, तो देखो जब ए ड्रॉप कर दिया तो आगे कौन काम कर रहा होगा? बी और सी कर रहा होगा। अब बी और सी कितने दिन तक काम किए मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन यह मेंशन किया गया है मेरे भाई कि जैसे ही काम पूरा होने वाला था, ठीक उसके 1 दिन पहले बी काम को करना बंद कर, बी के बारे में बोला ना, हाँ बी काम को करना बंद कर दिया, मतलब बी लास्ट के 1 डे जो है लास्ट डे में नहीं दिखना चाहिए। बी दिख रहा है क्या लास्ट डे में आपको? नहीं दिखना चाहिए, बस खाली अरेंज थोड़ा सा कर लो आप इस प्रकार से। अब एक बार बताना कि अगर हम यहाँ बात करते हैं कि ए बी और सी जब तीनों साथ में काम किए होंगे 3 दिन तक, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 6, 5, 11, 4, 15। 15 से आप यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 45। समझिएगा कितना हो गया आपका? 45। ठीक है मेरे दोस्त, 45 यहाँ पर आपका काम निकल गया। अब लास्ट के 1 दिन में सी कितना टाइप किया होगा मान लीजिए, तो 1 दिन में अगर 4 पेज टाइप करता है, 4 से गुना कर देंगे, कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। तो 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्यों? 60 हमारा टोटल पेज था, 49 पेज हमने टाइप कर लिया, तो बच्चा कितना हमारे पास? 11 पेज। और ये 11 पेज टाइप करने के लिए कितने व्यक्ति अवेलेबल हैं? 2 व्यक्ति अवेलेबल हैं। कौन कौन? बी और सी। तो बी और सी की क्षमता देख लो आप, 5 और 4, 9 से डिवाइड कर दीजिए। वर्क बाई एफिशिएंसी इक्वल टू क्या? टाइम। तो 9 × 9, 2/9 दिन, आंसर। अब रही बात टाइम निकालने के लिए, टाइम कैसे निकालोगे आप? तो यहाँ चला था 3 दिन और यहाँ चला था 1 दिन, 4 दिन हो गया। 3 + 1 = 2/9 + 1, ध्यान से देखिएगा, मैंने सबको टाइम को ऐड कर दिया। तो देखो 3 हो गया, 1 4 हो गया, 5, तो 5 × 2/9 दिन इसका सही आंसर। आप लोगों के भी इतना आया होगा, अगर आप लोग ट्राई किए होंगे तो आपका भी आंसर इतना आपका आया होगा। आया था बाबू? चलिए बहुत सुंदर, 5 × 2/9 दिन इज द करेक्ट आंसर। मैं इसको और कोशिश करता हूँ सेकेंड मेथड में जाने के लिए लेकर, है ना, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सेकेंड मेथड और ये फर्स्ट मेथड दोनों में टकरार हो जाएगा, है ना, टकरार समझ रहे ना? मैं आपको बताता हूँ कैसे टकरार होगा ना, ये चीज़ समझिएगा। लेकिन दोनों में कॉन्सेप्चुअली बात करता हूँ क्या इसका फर्क पड़ेगा। मैं इसको मिटा दे बाबू,
समझिएगा, लिख लेते ना, ये तो बना लिए होंगे आप लोग, इसमें कोई है फर्क नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यह कहा है विकास कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं बाबू, ए तीन दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो तीन दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो काम करने के बाद छोड़ा, तो तीन दिन के बाद कौन छोड़ दिया, ए, तो तीन छः 18 माइनस कर दो, कौन चल गया, ए आप चल गया, अब ए नहीं आएगा, ए अब नहीं आएगा, तो घटा दो इसमें 10 - 8 2 और 5 - 1 4 42 काम बचा होगा, 42 पेज बचा होगा। अब यहाँ पर बोला है कि काम चल रहा था, बी काम पूरा होने से एक दिन पहले ड्रॉप कर दिया, तो बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया मतलब काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, काम करके जाएगा तो काम क्या हो जाएगा, माइनस। वही एग्जाम्पल, खाना खा के जाएगा तो खाना माइनस, खाना बन गया आया ही नहीं खाने वो, तो खाना क्या होगा, उसका बच जाएगा, तो अन्य जो व्यक्ति खाने वाले हैं उस पर क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा, तो यानी काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस प्रकार से बी काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया, तो बी एक दिन में कितना पेज टाइप करता है, 5 मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, 42 से 5 47, ठीक है दोस्तों। अब तो ए तो चला गया भी तो आएगा नहीं, एक आप लेखा जोखा भी नहीं है, काम को कौन कर रहा था, बी और सी चल रहा था, तो 5 और 4 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, नहीं तो कितना आ जाएगा, 5 9 5 45 2/9 क्या इतना था आंसर आपका, वही सेम चीज आएगा। तो किसी भी तरीके से बनाओगे आपका आंसर सेम ही आना चाहिए, बट थोड़ा ध्यान रखना आपकी किस प्रकार से हमें जोड़ना है और किस प्रकार से हमें घटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 4 की ओर। 15 का जो कंडीशन नंबर 4 था उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए बी सी, ये तो आपको सबके लिए कॉमन है, ये सभी में कॉमन रहेगा, ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद क्राइन देखिए क्या कह रहा है कि ए 3 दिन के बाद छोड़ दिया और बी 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो आप बताओ कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस केस में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर यह मालूम नहीं चलता, जिसे हम समझिएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कभी भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व कर रहे हो और जितना काम मिला है उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो यह सेकेंड यानी फर्स्ट कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नहीं मानकर सेकेंड को फॉलो कर दीजिए, समझिएगा। ये आपको दिख रहा होगा कि देखो ए बी और सी, तो ए बी और सी को हम लोग लेकर चलना स्टार्ट किए दोस्तों, तीन व्यक्ति एक साथ किसी काम को 10, 12, 15 दिन पूरा कर सकते हैं, जिसको एफिशिएंसी निकल गया 6, 5 और 4 निकल गया। 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन तक हमने इससे काम कराया होगा, ए ड्रॉप कर दिया मतलब ए काम पर नहीं आएगा, अब तो आगे कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, बी और सी करेगा, तो बी और सी को हम आगे कंटिन्यू रखें काम पर, ठीक है बाबू। बी और सी काम कर रहे थे, काम पूरा होने से 4 दिन पहले बी ड्रॉप कर दिया, काम जिसे पूरा होने वाला था 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी ड्रॉप कर दिया, मतलब 4 दिन कौन काम किया होगा, सी किया होगा। अब समझिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए बी और सी 6, 5, 11 और 4, 15 से गुना करेंगे कितना निकलेगा, 45 ये निकलेगा, और अगर मैं सी में 4 से गुना करूँ यानी सी का कितना 4 है, तो 4 चौके 16, अब बताओ कि 45 और 16 कितना हो गया, 61, क्योंकि हम काम कितना आपका 60, वही मैं चाह रहा था आपको। कभी कभी ऐसी समस्याएं आएंगी आपको कि काम जितना दिया है उससे ज़्यादा काम आपका हो जाएगा और फिर भी यहाँ बचा ही के बचा ही रह जाएगा, क्योंकि इन लोग भी तो कुछ काम किया होगा ना जी, बी और सी, समझे ध्यान से। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पर जितना काम दिया है उससे कहीं ज़्यादा आपका काम करवा चुके हो, लेकिन फिर भी अगला आदमी काम करने के लिए इंतजार कर रहा हो, तो यही मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना। तो उस केस में हम लोग इस रूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्यों, चूँकि यहाँ पर यह मेंशन नहीं होता कि एक्चुअली में ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और बी पूरा काम होने से एक दिन पहले छोड़ देता है ना। जनरली ये नहीं के बराबर ऐसा केस मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में, जनरली सभी मैच हो रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन जब सेट और सेट करता है तो उस केस में अगर ये ज़्यादा हो जाता है क्वेश्चन, तो सीधे आपको लेके आना चाहिए उस रूल के माध्यम से जो आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। जैसे आप समझिएगा, इस रूल को छोड़कर आपको यहाँ पर आना चाहिए, क्या है रूल आपका, देखिएगा ध्यान से, यह कह रहा है कि 3 दिन के बाद कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, तो 3 दिन के बाद अगर ए छोड़ दिया दोस्त, 3 दिन के बाद अगर ए छोड़ दिया मतलब 3 दिन काम करने के बाद छोड़ा, बोले हाँ है ना, 3 दिन के बाद छोड़ दिया, तो एक दिन में अगर 6 तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 18, तो कितना आ जाएगा, 42, या ए चला गया आप काम पर, या अब ए काम से नहीं आएगा दोबारा।
बी काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ दिया। तो याद करो, जब पहले छोड़ता था काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चार दिन पहले, है ना जी, सॉरी ना, हाँ बी काम पूरा होने चार दिन पहले छोड़ देता है। तो बी का काम कितना है, पाँच, एक दिन का, चार दिन कितना हो जाएगा, बीस। तो बीस काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, यह काम बढ़ जाएगा, ये तो चला गया, अभी तो आएगा नहीं, अब यह काम कितना हो जाएगा, 62। अब इसको डिवाइड किससे करना होगा, बी और सी के साथ में, पाँच और चार नौ से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा। उस केस में हम लोग को ये सूत्र को फॉलो करना चाहिए और इस पर सटीक तरीके से आपके आंसर आ जाते हैं। मैंने दोनों ही समझाता हूँ आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा रेयर केस, एक आध परसेंट ऐसा कभी चांस बनेगा कि कभी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको जान के दिया कि ऐसे प्रश्न अगर कभी दिखाई दे तो नो डाउट आपको इस पर आपको बढ़ जाना चाहिए इस रोल के माध्यम से। दोनों चीज़ सीखो आप, तो इसको डिवाइड करेंगे, नौ से तिरसठ, नौ छः के चौवन, ना छः बार में जाएगा, एट बाई नाइन डेज है तो दिन होगा, आवर है तो आवर में होगा। बस ऐसे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से, और ये नहीं के बराबर ऐसे आते हैं, लेकिन अगर कभी दे दे तो इस रूल को आपको फॉलो करके आपको चलना होगा। सर वहाँ पे थोड़ा डाउट, लास्ट में डिवाइड करता है कौन फोर, तो बी तो छोड़ देता है सर पहले, तो दो को डिवाइड करते हैं। हाँ देखो, ये लास्ट के एक दिन पहले छोड़ा है भाऊ, ये लास्ट के एक दिन पहले छोड़ा, बाकी तो पहले काम कर ही रहा था। देखो ना, आपको बोला है कि बी, सॉरी यहाँ पर बोला है कि बी काम पूरा होने चार दिन पहले छोड़ा, तो काम जिसे पूरा होने वाले चार दिन, जिसे मान लीजिए हम आपसे यह कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, महीना पूरा होने वाला है, आप शुरू से जॉब कर रहे हैं, शुरुआत एक तारीख से जा रहे हैं आप, जैसे महीना पूरा होने वाला है, चार दिन पहले छोड़ दिए, इसका मतलब यह होगा कि चार दिन का सैलरी मिलेगा आपको। अगर 30 दिन का महीना है तो 26 दिन का सैलरी मिलेगा, तो चार दिन का नहीं मिलेगा ना जी। उसी प्रकार से यह जो है आपका एक दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब यह पहले तो काम कर ही रहा था, समझे मेरी बात को, इसलिए बी और सी से मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, नहीं समझे अभी तक, वेरी, इसलिए डिवाइड करता हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं, आराम से कर लोगे आप। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा, फाइव, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, फाइव कंडीशन सेम इसी प्रकार से होगा। देखो सेम चीज़ आपको ए बी और सी 10, 12, 15 दिखाई दे रहा दोस्तों, ये सब में एप्लीकेबल होगा। अब यह मेंशन कर रहा है कि तीनों एक साथ काम को शुरू तो कर दिए, लेकिन एक काम पूरा होने से दो दिन पहले छोड़ देता है, एक काम पूरा होने से दो दिन पहले छोड़ दिया, और बी काम पूरा होने से तीन दिन पहले, मैंने ऐसा कंडीशन आपको दिया था शुरुआत में ही, तो कितने दिन में काम को पूरा इन लोग करेंगे। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करो अच्छे से, ध्यान से देखो, पहला चीज़ कैसे ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ के देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कौन सा बाबू, फाइव ना, यह कंडीशन आपका फाइव चल रहा है, यह बोल रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से दो दिन पहले छोड़ दिया। तो जैसे ही काम पूरा होने वाला दो दिन पहले छोड़ दिया, मतलब काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कौन छोड़ा है, ए, तो एक दिन में अगर छः, तो दो दिन में कितना आ जाएगा, बारह, ठीक है मेरे भाई, यह कितना हो जाएगा, 72। उसके क्या बोला है, बी काम पूरा होने से तीन दिन पहले छोड़ दिया, तो बी कितना करता है, पाँच, तीन दिन काम पर नहीं जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 15, इसको भी जोड़ दीजिए, ठीक है मेरे दोस्त, 5 और 2 7 और 7 और 1 8 87 हो जाएगा। अब मैं इसे किससे डिवाइड करो, वेरी गुड, क्योंकि शुरुआत में तो सब कोई काम कर रहा था, शुरू से सबके व्यक्ति काम कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे कि 5 6 5 11 और 4 15 15 से डिवाइड करेंगे, इसको कितना आएगा देखो, तो 5 4 बाई 5, ये छोटा कर लीजिएगा, 87 बाई अगर 15 है तो 29 दिया हो जाएगा, और यह 5 दिया हो जाएगा, 5 बजे 4/9 दिन, 5 पुनः 5/4/5 दिन, ये इसका आंसर बनेगा इस प्रकार से। अगर आप ऐसे भी जाते हो, देखिए मुंडा जी, जैसे मान लीजिए आप इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो तीनों को साथ में काम करा दिए हम, देखो ए बी और सी दिखाई दे रहा बाबू उधर से आपको, वेरी गुड, ए बी सी तीनों को मैंने साथ में काम को प्रोसीड कर दिया, तीनों साथ में काम कर रहे थे। अब यहां पर यह बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कि एक काम पूरा होने से दो दिन पहले छोड़ दिया और बी काम पूरा होने से तीन दिन पहले छोड़ दिया। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का टाइमिंग आपका तीन दिन का है, तीन दिन तक का है, ठीक है मेरे दोस्त, तीन दिन तक यह है आपका। तो यहां पर आपको देखना ध्यान से, यहां पर दो दिन होगा और यहां पर एक दिन होगा, क्यों होगा, चूंकि आपको खुद मेंशन किया है कि एक काम पूरा होने से दो दिन पहले छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर दो दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है, और बी काम पूरा होने से तीन दिन पहले छोड़ दिया, मतलब ये तीन दिन तक बी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कौन दिखाई देना चाहिए,
ए और सी दिखाई देना चाहिए, हाँ या ना। देखो काम पूरा होने से तीन दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, तो बी यह तीन दिन तक बी कहीं दिखाई नहीं देगा। ए से कब लगे, ए काम पूरा होने से दो दिन पहले, तो ए यह लास्ट के जो टू डेज है वहां पर ए नहीं आएगा, तो कौन आएगा, सी आएगा। बस ये अगर आपको बैठाने आ जाता, शिफ्ट करने आता है, तो काम आसानी से आप कर पाते हो। देखो लास्ट का तीन दिन का यह टाइमिंग है, तीन दिन पहले बी छोड़ चुका है, तो तीन दिन तक को बी दिखाई देगा काम पर, नहीं दिखाई देगा। तो उस काम को कौन कर रहा होगा, ए और सी कर रहे होंगे। अब यह बोला है कि काम पूरा होने से दो दिन पहले ए छोड़ दिया है, तो लास्ट के जो टू डेज है वहां पर ए दिखाई नहीं देगा, ए दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब समझो यहां पर ध्यान से दोस्तों, ए और सी का एक दिन का कार्य, ए और सी का एक दिन का कार्य, 6 और 4 कितना, 10, 10 से मैंने गुना कर दिया तो यह आ जाएगा 10 मेरे भाई। और मैं सी की बात करता हूं दो दिन में, तो दो दिन में सी कितना कार्य, 4, 4 दो कितना हो जाएगा, 8, तो 10 और 8 18, तो 60 में से अगर 18 में माइनस कर दो कितना बचेगा हमारे पास, 10 - 8 = 2, 5 - 1 = 4, 42। ये 42 कार्य कौन किया होगा, तीनों मिलकर किए होंगे, इन बाबू ये तीनों मिलकर काम किया होगा, कौन कौन, ए बी और सी। तो ए बी सी की क्षमता कितनी, 6, 5, 11, 4, 15 से डिवाइड कर दीजिए, कोई डाउट किसी बच्चा को, तो ये हो जाएगा 14 * 42 और ये हो जाएगा 5 * 15, 14/5। मैं अगर डिवाइड कर दो दोस्तों, तो 5 * 10, 4/5, यहाँ से कितना दिन, एक दिन, यहाँ से दो दिन, मैं तीन दिन जोड़ देता हूँ, तो तीन दिन और दो दिन कितना हो जाएगा, 5 * 4/5 दिन, ये उसमें भी आया होगा, देखो 5 * 4/5 दिन। तो आप या इस रूल से बनाएं या ऐसे बनाएंगे, आंसर ऑलवेज सेम इन बोथ केसेस। आस्था समझ रही हैं, वेरी गुड। गर्मी लग रहा है ना, चले नोट करो, फटाफट नोट करो। हाँ क्या हाल चाल सुमित, सब बढ़िया ना, गुड, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर लेके चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा, 15। देखो यह क्वेश्चन था 14 का, एक अलग अलग कंडीशन दिखाई दे रहा था, तो उसी कंडीशन को मैंने फुलफिल किया है। 14 नंबर क्वेश्चन था और 14 क्वेश्चन को मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 14 को चार तरीके से बनाया कि आपका पांच कंडीशन इसका दिया था, और पांचों को मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास किया है। इससे जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, सीखे कि नहीं सीखे आप लोग, वेरी गुड। तब मालूम चलेगा जब आपका टेस्ट होगा कितना सीखे हैं आप लोग, ना टेस्ट होगा बहुत जल्द। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा हमारा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। देखो यह कह रहा है हमारा कि ए बी और ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों पूरा करते हैं। तो आप यहां पर कर दो ए प्लस बी या बी प्लस सी और यहां पर सी प्लस ए किसी काम को जो पूरा करते हैं दोस्तों, तो यह पूरा करते हैं 12 दिन, यह करते हैं 15 दिन और यह करते हैं 20 दिन, ठीक है मेरे दोस्त, यह करते हैं 12, 15, 20 कैल्शियम कितना होगा दोस्तों, यहां पर 60 आ चुका होगा, तो 12, 25, 60, 15, 60 और 20, 60 यह बनेगा। अब यहां पर आपको यह देखना है, पूछा आपसे क्या है, तो ज्ञात करें कि वे मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5, 4, 9, 3, 12 मतलब 12/2 मतलब कितना हो जाएगा, 6, 6 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10 दिन समय लेंगे, कौन कौन, ए बी और सी, ये आंसर 10 दिन। बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाए होंगे कि 10 6 समय डिवाइड क्यों किया, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ दोस्तों, समझो यहाँ पर कि देखो ए और बी के लिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं था आपको, 5 काम करते हैं, बी और सी कितना करते हैं, 4 काम करते हैं, और सी और ए कितना करते हैं, 3 काम करते हैं। अगर मैं सबको जोड़ूँ तो यह ट्वाइस ऑफ ए बनेगा, ट्वाइस ऑफ बी बनेगा और ट्वाइस ऑफ सी बनेगा, तो 5, 4, 9, 3, 12 इधर से बनेगा, 2 कॉमन निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 12/2 अर्थात 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, 6 काम कर रहे होंगे, हाँ या ना, ए बी सी मिलकर 6 काम कर रहे होंगे। इसलिए मैंने ए बी सी का टाइम निकालने के लिए मैंने सिंपली इसको 10 को 6 से डिवाइड कर दिया, जितना भी सम करने के बाद आएगा उसका आधा कर देना,
वह सीधे निकाल देगा क्या ए बी और सी का निकाल देगा। तो ए बी सी के लिए मैंने देखा क्या 5, 4, 9, 3, 12/2 यानी 6, मैंने सीधे 6 से डिवाइड किया इतना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एक्चुअली 6 मैंने कैसे लाया, एक बार आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछ सकता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे यह कहता कि जैसे आपको यहाँ बोला कि ए बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए इतने दिन में, मैं पूछता आपसे यहाँ पर क्या कि बताइए दोस्तों कि इस काम को ए अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो क्या जवाब देते हैं, सिर्फ ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेता है, 30 दिन। वेरी गुड, बच्चे जवाब दे रहे हैं। मोनिका वो लड़के वही बोला, चले लेकिन तो बता ही देगा सर। अनमोल समझे आप, क्या समझे, वही जो समझा है वही जो समझा है ना, समझे पर यहाँ पर अगर आपसे यह कह सकता है कि पर्सनली इंडिविजुअली जो भी है व्यक्ति ए बी और सी अलग अलग किसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ पर निकाल लिया ना बाबू ए बी और सी 6 काम करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि देखो ए उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो काम तो सबके लिए कॉमन है, काम तो सबके लिए क्या है कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है, लेकिन हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, बोलिए हाँ ना, पर डे का डोज निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि ए बी सी मिलाकर 6 करते हैं और तो बी और सी कितना करते हैं, 4 काम करते हैं, तो आप यहाँ 4 पुट कर दो, तो 4 में क्या जोड़ेगी आपका 6 हो जाएगा, तो 2, यही 2 यहाँ पर शिफ्ट कर दो, क्योंकि ए जो है एक दिन में 2 पेज टाइप करता होगा, तो 60 पेज टाइप करने के लिए समय कितना लगेगा इसका, 30 दिन। ए का निकल गया, इंडिविजुअली निकालना चाहते हैं तो आपको बच्चा बोलेगा सर हमको बी का निकाल दीजिए, तब जाने मतलब कोई बात नहीं, तो फिर इसको मिटा दो, बी का निकालना है तो बी को निकालने के लिए ए और सी का वैल्यू पुट कर दो, तो ए और सी का कितना है 3, तो 3 हो जाएगा, 3 में क्या जोड़े कि 6 हो जाएगा, तो 3 यानी बी को शो करेगा 3, तो उस केस में हमें 60 को ही डिवाइड कितना से करना पड़ेगा दोस्तों, 3 से, तो कितना आ जाएगा 20 दिन आएगा, नहीं आएगा बाबू। अगर वो बच्चा बोलेगा नहीं सर आप ए बी सी का निकाल दीजिए आप मेरे को, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, बस इसी को खाली चेंज करना है, ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ए और बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 5, तो 5 हमने यहाँ रख दिया, तो 5 में क्या जोड़े के 6 हो जाएगा 1, मतलब यह आपकी एफिशिएंसी किसकी होगी, सी की, तो यहाँ पर 60 में डिवाइड किससे करो 1 से, कितना आ जाएगा 60 दिन। अगर आपसे इंडिविजुअली अलग अलग भी पूछ रहा है तो भी इस क्वेश्चन के आंसर को ला सकते हो, अगर पूछेगा 7 में तो कुछ नहीं करना, इनको जोड़ो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे इसको तो उतना टाइम निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग पूछेगा दोस्तों, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि अगर पूछ रहा है ए के बारे में तो बी और सी का रख दो वैल्यू, मैंने जो रखा था अभी, अगर पूछेगा बी के बारे में तो सी और ए रख दो ये वाला, अगर पूछता है आपको सी के बारे में तो ए और बी रख दो ये आ जाएगा। तो इस केस में यानी इस प्रकार से अगर काम करते हैं तो आपके आंसर आने से कोई रोक नहीं सकता, आप इजिली ला पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, आइए गौर करते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सोलह विषय इसी प्रकार से है, उसको आप चाहें तो बना सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं बनाया है तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर यह कह रहा है कि 16 में ए प्लस बी, बी प्लस सी का हो कम लेस, सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं, 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यह इस प्रकार से हुआ, इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हुआ, ठीक है मेरे दोस्त। 10 छके 60, 12 पचे 60 और 20 दिया 60, आपने यह काम इजली कर लिया होगा, इतना तो कर ही सकते थे। अब आगे बोल रहा है कि तो ज्ञात करें कि अलग अलग, देखो सेम चीज पूछ दिया पहले, पिछले लोगों को समय क्या था एक साथ उस काम को पूरा करने में कितना समय ले रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कह दिया अलग अलग, अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, समझ रहे बच्चे लोग सब। तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अगर ए बी सी निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त,
6, 5, 11 और 3, 14। तो 14 बटा 2 मतलब कितना निकलेगा? 7। उसको आधा कर देते हैं, आपको मालूम होगा, चूंकि ये ट्वाइस ऑफ निकलता है, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, तो ये 14 आएगा, तो ये कटेगा कितने बार में? 7 बार में। तो ए बी और सी को हम लोग कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। कैसे 7 है मालूम चला सबको? वेरी गुड। अब बताओ हमें कि अलग अलग पूछा है, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों एक बात बताना, काम तो मेरा वही है, 60 पेज टाइप करना है, लेकिन ए की क्षमता क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी है। तो उस केस में देखो क्या करते हैं हम लोग कि देखो ए बी सी का दिया हुआ 7, तो बी और सी का वैल्यू ढूंढो, कितना है बी और सी का? 5। तो 5 यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 में क्या ऐड करके 7 हो जाएगा? आप बोलेंगे 2। तो 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे ना, बहुत फाउंडेशन बैच है एकदम। 60 बटे 2 मतलब कितना हो गया? 33। ये आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है बी के बारे में, बी के बारे में, तो काम तो मेरा वही वही है सभी के लिए, बी के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए और सी के वैल्यू पुट कर दो। तो ए और सी का क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 3। ये अगर 3 होगा तो बी का मान कितना हो जाएगा? 3। बी का मान 4 होगा ना बाबू? बी का मान 4 हो जाएगा। तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 15। 3। आपसे पूछता है कि सी निकाल दो, तो काम तो सभी के लिए कॉमन है, 60 ही काम है। अब सी निकालने के लिए हमें किसका पुट करना पड़ेगा मेरे भाई? ए और बी का पुट करना पड़ेगा। तो ए और बी का काम कितना आपका? 3। एफिशिएंसी बस निकालनी है, सॉरी ए और बी का 6 दिया है ना, तो मैंने यहाँ पर 6 कर दिया। बाप रे, एक ही साथ सब मिलकर गर्दा को बांट देगा सब, नहीं एक ही साथ सब मिल जाएगा सब, जहाँ थोड़ा सा डिजिट इधर उधर होगा ना। तो ए और बी का 6 हो गया, ये बचा कितना आपका? 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 60 बटे 1 मतलब 60 दिन। आप कितना अच्छा पढ़ा रहे मैटर नहीं करता है, जहाँ एक डिजिट गड़बड़ किया सब एकदम अटैक कर देता है सर एक ही बार में ना आपको। यह हुआ यूनिटी, वेरी गुड है ना, 60 दिन। तो इस प्रकार से आपको काम करना था दोस्तों, और यहाँ पर आंसर ए का 30 दिन, बी का 15 दिन और सी का 60 दिन। कोई ऐसा बच्चा जो जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही, नहीं समझ पा रहे हैं? बबलू समझ आ रहा सब? वाह, आप लोग बाबू? विकास बहुत अच्छा, वेरी गुड। रीना नहीं समझी? अगर अभी नहीं समझेगी तो फिर बताओगी, नहीं बताओगी तो फिर कहाँ समझा पाएंगे आपको, है ना? डॉक्टर भी, जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं आप, तो पहले पूछता है क्या हुआ, क्या तबीयत खराब है, आप ही नहीं बोलते होंगे फाइंड द एरर इन माय बॉडीज, मेरे बॉडी में एरर फाइंड करो, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपको बताना पड़ता है मेरा माथा दर्द है ना, ये दर्द है, तो बताना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है? उसी प्रकार टीचर्स को बताएंगे नहीं तो कैसे मालूम चलेगा कि आपका क्या समस्या आ रही है, कहाँ पर समस्या समझने में दिक्कत आ रही है। फाइंड द एरर इन माई बॉडीज ना, मैं उसको मिटा सकता हूँ क्या? गुड, वेरी गुड। सोलह देखे ना बाबू हम लोग अभी तक, 16 के बाद लेके चलते हैं आपको 17 में। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से बाबू। यहाँ पर देखो ए बी, बी और सी किसी काम को 12, 8, 10 दिन पूरा करते हैं। देखो ए प्लस बी 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, और सी और ए 10 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इतना दिन पूरा करते हैं। तो ये अलग अलग, तो यह सेम चीज, वही सेम चीज़ है। 12, 8, 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 120। बहुत अच्छा, 120 आ जाएगा। यहाँ पर 120 में डिवाइड करें कितना आ जाएगा? यह 10, यह आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा 12। सिंपल वही काम करना था, तो ज्ञात करें वही अलग अलग। तो अलग अलग मतलब क्या है? ए बी सी निकाल दो आप, ए बी निकाल पाएंगे आप लोग सब बच्चे लोग? हाँ, 15 और 12, 27 हो जाएगा इधर, 27, 10, 37, तो ये 37 काम हो जाएगा। अब अलग अलग निकालने के लिए बोलेगा, तो सबका निकालो एफिशिएंसी और डिवाइड करते जाओ। नहीं कर पाएंगे क्या? वेरी गुड, काम तो वही रहेगा सबके लिए, यह काम कर लेना। तो बी और सी का अगर मान रखा रखना, तो बी और सी का दिखाई दे रहा 15। अच्छा, हाँ बाई टू होगा, क्योंकि आपका सबका सम आपका 37 है ना बाबू, तो 37 बाई टू कितना आ जाएगा? 18.5 इन आएगा बाबू, 18.5। अब देखो बी और सी का मान हमारा 15 दिखाई दे रहा है, तो 15 में क्या जोड़े इतना हो जाएगा? 3.5 इन आएगा बाबू,
3.5 मतलब 7/2, तो 7/2 मतलब क्या, यहाँ पर 7/2 रखना पड़ेगा, 7/2 नीचे। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम काम करते हैं ए और बी का रखते हैं, तो सी का मान निकल जाएगा, तो ए और बी कितना दिखाई दे रहा है 10, तो 10 में क्या रखना पड़ेगा 8.5, तब ना होगा, तो 8.5 मतलब 17/2, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, मान लीजिए बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा ए और सी का, तो ए और सी का, तो ए और सी का कितना दिखाई दे रहा 12, तो 12 में क्या जोड़े हम लोग 6.5, तो 6.5 यहाँ पर रख दो, मतलब 13/2 ना, 13/2 यहाँ पर आ जाएगा। अब वही काम करके फाइनल फ्रैक्शन जो भी लाना आप ले आओ, तो सेम चीज़ें है, बस घुमा फिरा के बस इसका खाली एफिशिएंसी निकालो और डिवाइड करना है, दैट्स ऑल। यहाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में, और यह 18 नंबर आप, मुझे लगता है कि आप लोग भी ट्राई किए होंगे, क्या कोई बच्चा ट्राई किया था 18 नंबर क्वेश्चंस? जी सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर भी यही क्या होगा सबका, मिथुन सूरज नहीं आया था, कोई बात नहीं, राघव मेटा दिसको जोर जोर से बच्चा लोग देखता है सर, जोर से देखने के मेरा बोर्ड खराब हो गया, बताओ सोचिए इसमें कितना ज्ञान लिखा गया है, नहीं इस बोर्ड में इसमें कितना टीचर्स आके अपना ज्ञान इसमें प्रदर्शन दिए हैं अपना, नहीं इस बोर्ड में कितना शेयर किया गया आपका नॉलेज। उसी प्रकार हम लोग का माइंड भी है, इधर से पढ़ाते हैं फिर पोछा मार देते हो आप लोग सब खत्म, नहीं पोछा मार दिया सब खत्म, वैसे ही माइंड भी है, नहीं ऐसा है क्या, नहीं ऐसा नहीं रहना चाहिए। देखो समझिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी ना बाबू, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, और बी और सी 16 दिनों पूरा करते हैं। ए काम करता है 5 दिन, ए बोला है ए काम करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन, और बचे हुए काम को, रिमेनिंग काम को सी 13 दिनों पूरा करता है, रेस्ट काम को वह 13 दिन पूरा करता है, तो सी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से ध्यान समझना, देखिए ध्यान से दोस्तों, दोनों को साथ में रह कर हमें एफिशिएंसी दी हुई है ए बी का और बी सी का, क्यों, क्योंकि 12 और 16 के जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो 12 और 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा 48, यही कहेंगे, तो 12 चौक 48 और 16 48। अब देखो यहाँ पर यह निकल पा रहा है कि हमारे पास ए और बी मिलकर 4 रोटी खाते हैं, तो ए कितना खाता बता पाएंगे क्या, ए और बी मिलकर 4 रोटी खाते हैं, जैसे हम आपसे यह कहें कि ए और बी का मान 5 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, आप एग्जैक्ट कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे, यह एक भी हो सकता है, यह 4 भी हो सकता है, यह 2 भी हो सकता है, यह 3 भी हो सकता है, यह ढाई ढाई भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग यह कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ए और बी की क्षमता अगर 4 है तो उसमें ए की क्षमता कितनी है, क्योंकि देखो यहाँ सबको पार्टिसिपेट यानी अलग अलग आपको इंडिविजुअल आपको दिया हुआ है, ए काम करता है 5 दिन, बी करता है 7 दिन, और सी करता है 13 दिन, लेकिन बी और सी के बारे में बात करें तो बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं, तो दोस्तों ये 12 और 16 के एलसीएम निकाले 48 को मैं डिवाइड किया 12 से 4 और यहाँ पर 3 आ गया, यह दर्शाता आपका कि यह ए और बी मिलकर 4 पेज टाइप करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर एक दिन में 3 पेज टाइप करते हैं, और ये इनकी कार्य क्षमता है यानी कि कार्य करने का दर दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं आपको क्वेश्चन पर लेके, आप समझिए ध्यान से, आप इसको दूसरे में समझना, ए को जाना है 5 किलोमीटर की दूरी, बी को जाना है 7 किलोमीटर की दूरी, और सी को जाना है 13 किलोमीटर की दूरी। जैसे मान लीजिए मैं बाइक से जा रहा हूँ, है ना, और मेरे को जाना है रात रोड चौक, कमलेश बोलता है सर हमको छोड़ दीजिएगा प्रेरल चौक तक, या कौन सा चौक है तो कचहरी चौक तक, हम बोले ठीक है। अब समझिए हम, मेरे को जाना है कितना 7 किलोमीटर, यानी कि मेरे को जाना है रात रोड चौक, कमलेश को जाना है कहाँ कचहरी चौक, तो क्या मैं और कमलेश दोनों साथ में 5 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता हूँ? तो आप क्या करना कि ए और बी को दोनों को बैठा दिए एक ही बाइक में, चलो लेके चलते हैं, देखो समझिएगा, इसको जाना है 7 किलोमीटर और इसको जाना है 5 किलोमीटर, तो क्या 5 किलोमीटर तक साथ में सफर कर सकते हैं मेरे दोस्त?
अब जैसे ही 5 किलोमीटर जैसे कचहरी चौक पहुंचेंगे, इसको उतार के फेंक देंगे है ना, और फिर हम गाड़ी लेके आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 किलोमीटर ये पहुंच गया, अब आगे मेरे को जाना है कितना, 7 किलोमीटर। उसी टाइम एक और लड़का मिल गया, मान लीजिए क्या नाम आपका, अनमोल, इनको जाना है थोड़ा सा 15 तरफ। तो बोले सर हमको भी रात हो गया सर जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत इमरजेंसी में जा रहे हैं हम। लेके देखिए अनमोल, हम तो 13 किलोमीटर नहीं जाएंगे आपको, लेकिन मात्र आपको 2 किलोमीटर तक हम लिफ्ट दे सकते हैं। तो बोला ठीक है सर, चलिए ना सर, जहाँ तक चलेंगे चलेंगे हम, ऐसा होता है अक्सर। तो देखिएगा बी को जाना 7 किलोमीटर, तो 5 तो चल चुका है, 2 और जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 किलोमीटर कौन कौन बैठेगा, बी और सी एक साथ बैठ जाएगा। अब बी का डेस्टिनेशन पहुँच गया, रातों रात पहुँच गया, 7 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है, लेकिन अनमोल को जाना था 13 किलोमीटर, 15 जाना था, तो 2 किलोमीटर तो बाइक से मिल गए, लेकिन बाकी का जो बचा 11 किलोमीटर वह पैदल जाएगा या फिर किसी और से लिफ्ट लेगा। लेकिन रात में उनको मिला नहीं, बेचारा सी अकेले गया पैदल पैदल, कितना किलोमीटर, 11 किलोमीटर। बात को समझिएगा, मैं इसको थोड़ा अलग में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझो एटलीस्ट। अब देखना ध्यान से, हमारे पास जो जो एफिशिएंसी दी हुई थी सबको मैंने एक साथ ले लिया, ए और बी की एफिशिएंसी 5 दिन 4 दिन, देख रहे हैं यहाँ पर 4 टाइम है आपका, बी और सी के लिए 3 दिया हुआ है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि देखो ए को काम करना है 5 दिन, देखो ए 5 ही दिन काम किया है, किया कि नहीं किया है, बी 7 दिन काम किया है ये बोल रहा है, तो 5 दिन ए के साथ में काम करवा दिए और 2 दिन सी के साथ काम करवा दिए, तो 5 या 2 7 हुआ कि नहीं हुआ बी के लिए। सी को काम करना था 13 दिन, 13 दिन में 11 दिन अकेले किया और 2 दिन यहाँ किया, 13 दिन किया ना जी आपका, कंप्लीट हुआ। अब हमें जो गिवन है उस पर आ जाओ, आपसे यह कहा है कि ए और बी मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किए, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 पेज टाइप करते हैं, तो 5 दिन अगर काम किए होंगे तो 4 बचे 20 पेज टाइप किए होंगे, हाँ या ना। अब देखिएगा बी और सी 2 दिन तक एक साथ काम किए हैं, तो बी और सी की क्षमता क्या दे रखी है, 3, तो मैंने यहां पर 3 से गुना किया दोस्तों, 3 दिन कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो कुल हमारे पास पेज कितना था, 48, टाइप कितना हो चुका है, 26 पेज टाइप हो चुका है, 20 और 6 26 टाइप हो चुका, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पर 20 और 6 26 कितना बचेगा, 22 का, ये 22 काम बच गया। अब 22 काम को पूरा करेगा कौन, सी। 22 पेज जो बचा हुआ है, इस 22 पेज को टाइप करने के लिए सी आएगा कितना दिन, 11 दिन, यह दिन है 11 दिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि सी जो है पर डे कितना पेज टाइप करता होगा, 2 पेज टाइप करता होगा, तो यह 2 क्या निकला दोस्तों, वेरी गुड, सी की निकल गया एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, यह निकल गया सी की कार्य क्षमता, यह सी की कार्य क्षमता निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो अब हमसे यह कह रहा है कि अगर हम सी को पूरा काम दे दे, पूरा काम मतलब कितना, 48 पेज देते, तो सी कितना समय लेगा, तो 48 पेज टाइप करने के लिए सी कितना दिन काम करने आएगा, तो एक दिन में तो 2 ही पेज टाइप करेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 24 दिन, यानी सी जो है 24 दिन काम करने आएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है कि सी कितने दिन में काम को अकेले पूरा कर पाएगा, तो सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 24 डेज। बोलिए बोलिए, पता नहीं चलेगा, वो तो खुद बोला ना आपको, ए काम किया 5 दिन, बी काम किया 7 दिन और सी काम किया 13 दिन, हमें मतलब इतना दिन काम कराना है। अब चाहे ए के साथ में, अब बच्चा बोलेगा कि सर आप ए और बी को साथ में काम करवा रहे हैं, ए और सी को कहे नहीं करवा रहे हैं साथ में, हम वहाँ भी करवा सकते थे, लेकिन यह ध्यान देना कि आपको दिया क्या है, तो आपको दिया ए और बी के इकट्ठे दिया हुआ है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी मालूम है ना जी, ए और सी के बारे में कहाँ गिवन है मेरे को, दिया है क्या, नहीं, तो जो यह दिया रहेगा उसी आधार पर हम यह इक्वेशन सेट करते हैं। हमारे पास जो दिया था क्या, ए और बी के साथ में और बी और सी के साथ में, मैं चाहता तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि जान मान लो सी को जाना 13 किलोमीटर, हम ए और सी को ट्रेवल करवा दिए 5 किलोमीटर, तो बचता कितना, 8 किलोमीटर, नहीं कर सकते थे, लेकिन उस केस में हमारे पास सी, ए और सी का एफिशिएंसी गिवन होना चाहिए, तो हमारे पास दिया हुआ था ए और बी का, इसलिए मैंने ए और बी को रखा, दिया हुआ था बी और सी का, इसलिए मैंने बी और सी को रखा, अगर दिया होता मेरे पास ए और सी का तो हम ए और सी को साथ में चलाते, बात समझे मेरी बात को, वेरी गुड, इसको नोट कर लेंगे प्लीज़।
कोई बच्चा जो नहीं समझ पा रहा हो, बेहिचक आप मेरे सभी पूछ सकते हो। सब समझ गया निकिता? कहा अंकिता ना, कोई दिक्कत बाबू आपको? वाह वेरी गुड, वेरी गुड। चंदन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वेरी गुड। आइए समझिएगा, गर्मी लग रहा है बच्चा। अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 20। देखो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, 19 थोड़ा अलग है, 20 बनाओ पहले आप, 20 नंबर क्वेश्चंस। मैं समझा था बाबू, गुड। क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी तथा बी और सी किसी काम को 12 और 6 पूर्णांक द्विपद दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना दोस्तों, देखो ए और बी को यहां पर करो आप, कितना 12 दिन आपने किया होगा, और बी और सी को किया होगा 6 2/3 दिन, यह किया होगा। तो हम कह सकते हैं कि 18 2 20 20/3 आएगा दोस्तों, तो यहां पर हमने कर दिया 20/3 कर दिया, यही कर सकते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए ने 4 दिन काम किया, चलो मैं यहां रख दिया, ए ने 4 दिन काम किया, सॉरी ए ने 3 दिन काम किया ना, ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया, अगले 7 दिन काम किया, बस ये मेंशन कर लो आप। तो पूछा आपसे क्या है कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया है, ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। दोस्तों एक बार आप ट्राई करो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ ना मार्कर में। अभी जस्ट मैंने बताया हूँ आपको, बंद करना बाबू। चलिए बहुत अच्छा बन गया अब तक। बताइए बताइए रीना, बहुत सारे बच्चे एलसीएम निकालने में दिक्कत हो जा रहा है उन लोगों को। एलसीएम कैसे ना, हम समझ सकते बच्चा मेरा है, हम समझते बच्चों को कहाँ समस्या आ रहा है ना। बहुत सारे बच्चे एलसीएम निकालने में दिक्कत होगा, सोच रहा होगा सर 20 और 12 होता तो निकाल लेते, ये फ्रैक्शन में देते गड़बड़ा दिया सर। कुछ नहीं है, देखो आप क्या करो, हाँ ये 12 और 20 का एलसीएम निकालो 60 आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला एसएफ निकालते हैं तो 60 आ जाएगा। अब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 12 बजे 60, मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये 9 आ जाएगा। अब बोले 9 कैसे आ गया, देखो 60 को अगर 20/3 से डिवाइड करेंगे 3 कहाँ ऊपर जाएगा, तो 20 3 60 3 3 9 आएगा नहीं आएगा। ओह माय गॉड, अच्छा ऐसे करना था, नहीं समझे क्या हो, नहीं समझे। देखो जब भी अगर कोई संख्या इस प्रकार से लेकर दिखाई दो, ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई डी, इस प्रकार से हो फ्रैक्शन में दिया हो और इसका एलसीएम निकालने जा रहे हो, एलसीएम अगर आप निकाल रहे हो तो ऊपर वाला का एलसीएम रखना, एलसीएम ऑफ ए बी सी, और नीचे वाला का एससीएफ, एससीएफ ऑफ बी ए बी, सॉरी ए बाई बी, ए बाई बी, सी बाई डी और डी बाई ई ई। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए सी डी का होगा एलसीएम और नीचे का बी डी एफ, बी डी एफ का एससीएफ, ध्यान देना आप लोग, ये नोट कर लो आप। एलसीएम केस में क्या करते हैं, ऊपर वाला टर्म का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाला का एससीएफ निकालते हैं, मतलब ऊपर वाला क्या है नोमिनेटर और नीचे वाला क्या बोलते हैं इसको डिनोमिनेटर, दैट्स ऑल। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ नहीं, तो नीचे तो 1 है ना आपका, तो 20 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम कितना, 1 ही ना आएगा इसका, तो मैंने 60 रख दिया। अब 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, सोचो बच्चा कितना बेसिक में जा रहा है, 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 भी 60 होगा, लेकिन 60 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 20 3 60 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इसे मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। हाँ जी, नहीं नहीं वो नहीं करना आपको, वो एक रेशियो दिया रहेगा तब करना आपको, ऐसे नहीं करना आपको ना, रेशियो में काम करते हैं। अब समझिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर
टाइमिंग जो दिया आपको वही लेना, आपको इमरजेंसी फिर चेंज हो जाएगा सबका अलग अलग ना। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए ने 3 दिन काम किया था बाबू, ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन किया और सी ने 7 दिन किया। आप कैसे बनाओगे समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ए को जाना है 3 किलोमीटर की दूरी और बी को जाना है 4 किलोमीटर की दूरी। हमारे पास देखो कि दिया क्या क्या है, हमारे पास क्या दिया दोस्तों, ए और बी को साथ में रखा और बी और सी को साथ में रखा है। तो आप क्या कीजिए आर्यन, देखो इधर, ए और बी क्या साथ में 3 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं? बोले हाँ ना। बी को जाना 4 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करनी है और ए को जाना 3 किलोमीटर, तो क्या ए और बी को साथ में 3 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग ट्रैवल करवा सकते हैं एक साथ लिफ्ट देकर? हाँ या ना। अब देखो ए तो चल गया 3 किलोमीटर, बी को जाना कितना 4 किलोमीटर, इसका बचा कितना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इसको और जाना है किसको, बी को। अब उसी टाइम मिल गया कौन, सी मिल गया। सी बोलता भैया हमको भी आगे छोड़ दीजिए, तो बोला हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे आगे, 1 किलोमीटर तक आपको ले चलेंगे। बोला ठीक है ले चलिए। तो 1 किलोमीटर तक बी और सी को साथ में चला दीजिए हम लोग। बोला हाँ ना कुछ तो ये चल गया। अब बताइए कि साथ में से चल गया तो बचा कितना आपका, 6। ए कौन जाएगा अकेले, सी, दैट्स ऑल। अब खुद देखो आप कि ए को जाना 3 किलोमीटर, ए के नीचे 3 दिखाई दे रहा, बी को जाना 4 किलोमीटर, 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 4 हो गया। बोला हाँ ना। सी को जाना 7 किलोमीटर, 6 यहाँ और 1 यहाँ हो गया, 7 हो गया। सिंपली आप उसको पुट कर लीजिए वैल्यूज को। तो देखो आप यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि ए और बी एक दिन में कितना पेज ट्रैवल करते हैं, 5। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 5 से मैंने गुना कर दिया, 15 पेज टाइप करेंगे। और बी और सी, बी और सी एक दिन में कितना पेज टाइप करेंगे, 9 से गुना करो कितना आ जाएगा, 9 15 और 9 24 24 माइनस करें कितना आ जाएगा, 36। अब ये 36 पेज टाइप करने के लिए 36 पेज टाइप करना है दोस्तों, तो 36 पेज टाइप करने के लिए सी आएगा 6 दिन तक आएगा। तो 36 पेज टाइप करने के लिए अगर सी 6 दिन आएगा, इसका मतलब यह हुआ कि पर डे कितना पेज टाइप कर रहा होगा, 6। और यही 6 निकला सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता, सी की वजह से निकल जाती है सी कार्य क्षमता। अगर हमसे यह पूछा होता कि बताएं कि सी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो हम क्या करते, 60 को डिवाइड करते कितना से, इस 6 से, कितना आता, 10। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा है सी के बारे में क्या, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, ए के बारे में पूछा है। सी की अगर पूछा होता तो हम यह निकाल लेते 10 दिन, लेकिन पूछा है ए के बारे में। बताइए रोशनी, ए को कैसे निकालेंगे आप, रोशनी बताएंगे, हाँ जी 60 डिवाइड कर देंगे कितना से बाबू, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं आप बोलने सीखिए, गड़बड़ होगा मैं सुधारूंगा आपको ना, समझिए फिर समझिए, कोई बात नहीं। सी को कैसे निकालना है, सॉरी ए को कैसे निकालेंगे, तो देखो सी की क्षमता कितनी निकल गई, 6 निकल गई। अब देखो बी और सी मिलाकर 9 काम करते हैं, देखो ध्यान से, बी और सी मिलाकर 9 पेज टाइप करते हैं एक दिन में, जिसमें सी अकेले कितना टाइप कर दिया, तो 6 अगर अकेले टाइप करता होगा तो बी कितना करता होगा, 3 पेज टाइप करता होगा, हाँ या ना। अब यहाँ देखो ए और बी मिलाकर कितना पेज टाइप करते हैं, 5 पेज, ये 5 पेज टाइप करते हैं, तो बी अकेले अगर 3 पेज टाइप करता होगा तो ए कितना करता होगा, 2 पेज, दैट्स ऑल। तो आप क्या करेंगे कि हमसे पूछा था ए के बारे में, तो ए कैन डू द कंप्लीट वर्क, है ना, तो 60/2 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा इसका, 30। अगर बी के बारे में पूछा होता सपोज कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो बी की क्षमता कितना है, 3, तो 60 को डिवाइड करेंगे कितना से हम लोग, 3 से, कितना आ जाएगा, 20। जो पूछा आप वह निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। आपने देखा कि सी, जैसे ही हमने निकाला सी की क्षमता, तो सी को लेकर आगे बढ़िए, बी और सी मिलाकर 9 काम किए, तो सी अकेले कितना काम किया, 6, तो 6 में क्या जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 सर, बी का निकल गया, 60 को डिवाइड कर 3 से 20 निकल जाएगा। अगर पूछेगा ए के बारे में, तो देखो ए और बी मिलाकर 5 पेज टाइप करते हैं, जिसमें बी कितना टाइप करता है, 3, तो 3 पेज यहाँ पर कर दिया, तो 3 में क्या जोड़े कि 5 हो जाएगा, आप बोलेंगे 2, तो 2 किसके लिए शो करेगा, ए के लिए, तो ए के नीचे क्या कर देंगे, ए के लिए 2 पेज पर डे, तो 60/2 मतलब कितना हो जाएगा, 30 दिन, और यही हमारा आंसर होगा। अगर पूछेगा ए के बारे में तो यही निकालो, यानी कि हम मेरे को सब आता सब निकाल के दिखाएंगे ना,
सब दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, एक ही नंबर मिलेगा, जो पूछा जाए वही सिर्फ बताना आपको, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, वेरी गुड। यह क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे बाबू, कौन सा? 9 देख रहे थे, 19 मैंने स्किप किया था क्योंकि इसी पर बेस्ड थोड़ा अलग था, मैं आपको इसको भी करवा लेता हूँ आपको। मैं सुमिता दूँ क्या बाबू? कुछ क्वेश्चंस आप लोग से ही बनवाएंगे हम आपको, और कल सैटरडे है ना आपका, कल थोड़ा रिवीजन कर लेना टाइम एंड वर्क को अच्छे से, ठीक है? शुरुआत से टाइम एंड वर्क का रिवीजन कर लेना आपको। हाँ कल सैटरडे है ना, तो मैथ्स का हो सकता है कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन तो बनाने के लिए आपको, तो रिवीजन कर लेना। ये नहीं कहना सर रिवीजन नहीं कर पाया आपको, है ना, रिवीजन कर लेना मैथ्स के लिए स्पेशली। मैं आपको देखने वाला हूँ कितना आप कवर कर पा रहे हैं, जितना अभी तक पढ़ाई की है उसमें क्या बना पा रहे नहीं बना पा रहे। देखो 19 नंबर क्वेश्चन सर आ गया क्या? देखो ए बी और सी, ध्यान से देखना बाबू। चलो ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 16 दिन समय लेता है, 16 दिन का समय लेता है, और बी और सी इसे 10 दिन में पूरा कर लेता है, बी और सी इसे 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो याद करें कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, इसको ऑप्शन भी दिया होगा। जो देखो क्वेश्चन अपडेट किया हूँ मैं अभी फिलहाल में, उसके नीचे ऑप्शन भी आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा जो रिसेंटली अपडेट किया हो क्वेश्चन को। देखो 6, 16 और 10 कैल्शियम निकालो कितना आ जाएगा बोलिए। हाँ जी 16 और 6, 10 मान लो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको तो क्या करेंगे, 16 6 96 200 240। चलिए बहुत अच्छा, 240 कैल्शियम आ जाएगा, इससे डिवाइड करो कितना जाएगा 40, यहाँ डिवाइड करो कितना जाएगा 18 कैसे आएगा यार, हाँ जी 15 देख लेना आप अच्छे से, यहाँ पर कितना जाएगा 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब पूछा आपसे क्या कि ए और बी, तो एक बात बताओ ध्यान से, बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं 24 काम करते हैं, बी कितना काम कर दिया 15, तो 15 में क्या जोड़े कि 24 हो जाएगा 9, तो सी यानी कि 9 काम करता होगा। अब 9 काम यहाँ कर दी भाई, तो ए बी सी मिला कितना काम करता है 40, या 40 काम करता है, ए बी सी मिलाकर 40। देखो ध्यान से ए बी और सी मिलकर कितना काम किया 40, जिसमें हमारे पास सी का कितना निकल गया 9 निकल गया, तो सी के लिए अगर 9 पुट करेंगे तो ए और बी का मान कितना आ जाएगा आपका 31, ये ना आएगा बाबू। आप यहाँ भी देखो कि सी का मान अगर हमारा कितना आ गया दोस्तों 9 आ गया, 9 यहाँ रख दिए, तो ए बी का कितना मान होना चाहिए 31, तब ना 31 और 9 40 होगा मेरे भाई। हमसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, 40 बटे में क्या करेंगे 31, मत डिवाइड करो, यही आंसर है, डिवाइड करने मत लगना, यही आंसर है साथ। देखो तो यही दिया, गुड वेरी गुड। दो क्वेश्चन शायद पीछे भी स्किप किया है ना, याद रखना उसको भी डिस्कस करवा देंगे आपको, डोंट वरी। दो क्वेश्चन कौन कौन था आपका? अच्छा ठीक है, लास्ट में मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखना 20 के बाद 21 क्वेश्चन नंबर पढ़ो एक बार, क्वेश्चन 21 देखना ध्यान से। मैं इसे मिटा सकता हूँ, मैं इसे मिटा सकता हूँ, गुड वेरी गुड। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन आदमी जो है दोस्तों ए बी और सी इस प्रकार इस तरह से पूरा काम करते हैं कि ए पूरा समय के लिए काम करता है, मतलब पूरा समय मतलब क्या, ए कभी स्टॉप नहीं करता है काम, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, मतलब पहले और दूसरे दिन काम करता है, और सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पाँच दिन काम चला होगा, अगर पाँच दिन काम अगर चला होगा तो ए किया होगा कितना दिन 5 दिन, और बी क्या होगा 2 दिन, और सी क्या होगा 3 दिन। ये नहीं कह रहा क्वेश्चन में क्या कि ए पूरे समय के लिए काम करता है दोस्तों, समझे ध्यान से, पूरे समय के लिए काम करता है, पूरे समय मतलब क्या, जितने दिन काम चला होगा, बी पहले और दूसरे दिन मतलब 2 दिन काम किया होगा,
और सी किया होगा तीसरे चौथे पांचवें दिन, तीसरे चौथे और पांचवें दिन, मतलब तीन दिन काम किया होगा। ए ने तीन दिन काम, ए का तीन दिन का काम, ए जो है, अब देखो आगे एफिशिएंसी पर बेस्ड, ए का जो तीन दिन का काम है दोस्तों, तीन दिन उतना काम करता है जितना बी और सी दो दिन में करता है। मैं इधर लिख देता हूँ, ए जो है दो दिन में उतना काम करता है जितना कि बी और सी क्या दिन में, तीन दिन में ना बाबू, ए का तीन दिन का काम जो है बी और सी दो दिन में पूरा करते हैं। तो आप इसको ऐसे कर लो, ए बाई बी, ए प्लस ए बाई बी प्लस एच कर दो बटा तीन, ये होगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा। वे तीनों अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, देखो तो जो जो डेटा दिया हुआ मैं आपको मेंशन कर दूँगा बोर्ड पर, बाकी इसका क्या जरूरत है मैं आगे पढ़ूंगा। बोला क्वेश्चन में वे तीनों अलग अलग मिलकर कितने समय में काम को समाप्त करेंगे यदि बी और सी बिना ए की सहायता से, बिना किसी की सहायता से, बी और सी बिना किसी की सहायता से उस काम को छः दिन में पूरा कर सकते हैं। उस काम का मतलब किस काम को, जो काम आपको दिया हुआ है। तो मैं आपसे यह सबसे पहले पूछता हूँ, आप बताइए अंजू, अंजू की मंजू कोई भी नाम हो, अंजू बताइए आप टोटल वर्क कितना होगा बाबू, यहाँ पर हमारा टोटल वर्क बता दो आप, टोटल वर्क क्या होगा, नहीं समझ पाई लड़की, नहीं समझ पाई ना, मैंने हिंदी में बोला था, मैं इंग्लिश में पढ़ देता, हो सकता है आप समझ जाएं। थ्री मैन ए बी एंड सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन सच वे दैट ए वर्क्स फॉर ऑल डेज, बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज, सी वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ डेज, इफ बी एंड सी डू एज मच एज वर्क इन टू डेज एज ए अलोन डज इन थ्री डेज। अच्छा, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी अलोन डज द वर्क, अच्छा मतलब ए बी और सी अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे इफ बी एंड सी कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए, मतलब बी और सी बिना ए की सहायता से उस काम को छः दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले कि बोला आपसे क्या है कि बी और सी उस काम को बिना ए की सहायता से छः दिन में पूरा करते हैं, मतलब काम तो ही होगा, बोलो ना जी, बी और सी की क्षमता क्या दे रखी है आपको, तीन, तो तीन गुने क्या करते हैं छः, कितना आ जाएगा 18, मतलब मात्र आपको 18 पेज टाइप करना है, कितना पेज टाइप करना है 18 पेज टाइप करना है, यही आपको टोटल काम शो करेगा, ये आपका टोटल काम शो करेगा। अब आ जाओ क्वेश्चंस पर, अब आ जाना आपको क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि ए ने काम किया पांच दिन, बी ने काम किया है दो दिन और सी ने काम किया है तीन दिन, और इस प्रकार से काम आपका समाप्त हो गया है। तो एक बात बताओ, हमारे पास जो एफिशिएंसी दी हुई है किसका, ए का दिया हुआ है, बोलो जी, और किसका दिया हुआ, बी और सी का दिया हुआ है। तो मैं अगर ऐसे कहूँ कि देखो जी यहाँ पर मैंने चला दिया, ट्रैवल कर दिया दोस्तों सबका, ए काम किया पाँच दिन, मैंने ए के लिए पाँच दिन अलग कर दिया, अब देखो बी जाएगा दो किलोमीटर, सी जाएगा तीन किलोमीटर, तो क्या बी और सी दो किलोमीटर तो एक साथ चल सकते हैं, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सर बी और सी को साथ में ले रहे हैं, एक और बी को साथ में क्यों नहीं चला रहे हैं, कोई बच्चा का मन में प्रश्न ऐसा है क्या, नहीं होना चाहिए, अगर आ भी रहा तो मत पूछना, क्यों, क्योंकि ए का अलग से मुझे एफिशिएंसी गिवन है, ए और बी का क्या दिया हुआ है, नहीं, इसलिए ए और बी को साथ में रन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ए को मैंने सेपरेटली कर दिया पाँच दिन, ठीक है, उसके बाद यह कहा कि देखो बी जाएगा दो किलोमीटर और सी जाएगा तीन किलोमीटर, और बी और सी को साथ में चलाने बोल रहा है, तो क्या बी और सी दो किलोमीटर तक साथ में ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ तो बोलिए आप लोग, अब बी को जाना दो किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, लेकिन सी को जाना है तीन किलोमीटर तक, तो दो चल चुका था, बच्चा कितना होगा, एक, एक किसके लिए होगा, सी के लिए, बस यही इतनी सी बात थी, समझ लीजिए अच्छे से। पहले आपको मैंने यह निकाल दिया टोटल वर्क कि काम कुल कितना दिया हुआ, तो उसमें खुद मेंशन किया हुआ कि बी और सी बिना ए की सहायता से उस काम को छः दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास बी और सी की क्षमता क्या दे रखी है, तीन, मैंने तीन से गुना किया, छः में 18 आ जाएगा, कोई डाउट किसी बच्चा को, नहीं होनी चाहिए, वेरी गुड, यह हमारा काम निकल गया टोटल, 18 पेज टाइप करनी है, लेकिन इस पेज को टाइप करने के लिए अगर पाँच दिन काम चला होगा तो पाँच दिन में ए सभी दिन काम किया है, बी पहले और दूसरे दिन आया है काम पर, और सी बेचारा तीसरे चौथे और पाँचवें दिन आया है, और हमारे पास ए का अलग से दिया हुआ कि ए जो है पर डे दो पेज टाइप करता है,
तो हम यहाँ पर दो से गुना कर देंगे ए में, ये 10 पेज टाइप कर लिया होगा, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अब आगे आना था बी और सी को, तो बी और सी को इकट्ठे दिया आपका 3, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी देखिए इकट्ठे चला दिया 2 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि बी को जाना था 2 किलोमीटर और सी को जाना था 3 किलोमीटर, तो बी और सी 2 किलोमीटर एक साथ चल सकते हैं, है ना, बचेगा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कौन चलेगा, सी अकेले चल रहा होगा। अब बताइए कि बी और सी के लिए 2 दिन में काम कितना कर सकते हैं, 3 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 6, तो 10 और 6 16, तो 16 काम हो चुका है, तो 16 में से अगर 18 में से 16 काम हो चुका तो बचा कितना होगा, 2 काम, और ये 2 काम को पूरा करने में समय कितना है, 1 है, तो 2 काम को पूरा करेगा सी 1 दिन में, अर्थात 2 पेज टाइप करेगा 1 दिन में, मतलब सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, और यह कहलाएगा सी की क्षमता, क्षमता कहलाएगा। हमसे क्या पूछा दोस्तों, अलग अलग ना, अलग अलग पूछा कि अलग अलग बी और सी नहीं पूछा होगा, देखो क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में लिखा हुआ, देखो इन हाउ मेनी डेज ए बी सी अलोन, मतलब अलग अलग इंडिविजुअली कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अगर ए का पूछेगा ए के लिए तो क्या करेंगे, काम तो कितना है मेरा 18 है, 18 को डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा 9 दिन। अगर हमसे पूछता है बी के लिए तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखो सी की क्षमता आपकी 2 है, एक सेकेंड, सी की क्षमता कितनी है 2 है, यहाँ पर सी की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पर आप काम कितने हैं 18 को डिवाइड किससे करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा 18 दिन, और एक लास्ट कौन बचेगा आपका सी, तो सी की क्षमता तो जैसा निकाल ही लिया 2, तो 18/2 मतलब कितना आ जाएगा 9 दिन। बहुत सिंपल चीज था, आप इसको रफ कर लेंगे प्लीज, सही बच्चे। पहले हमने आपको निकाला टोटल काम, और यहां पर आपको यह बोला है दोस्तों क्या कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया, तो उसी को मैंने बेस बनाकर आपको यहां पर लिख दिया, मैंने यहां जो लिखा हुआ तो मिटा कर यहां पर शिफ्ट कर दिया हूं, नोट कर लो प्लीज फटाफट सब बच्चे। देखो किस प्रकार से इसको आंकड़ा को सेट करना है, कैसे डेटा सेट करना है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आगे तो क्वेश्चन नंबर 21 तक देखे ना बाबू, अभी तक 21 देखे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 तक मैंने कवर किया है दोस्तों। 22 आप लोग उसी बेस पर है, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी काम शुरू करते हैं, 4 दिन काम करते हैं, छोड़ देता है, वही लिफ्ट देने वाला काम है, नहीं काम कर लेंगे, एक बार आपको मैं मौका देता हूँ, आप इसको ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप, ठीक है। और इधर आपका 3rd और 4th बच गया, तो उसको मैं कवर कर दूं क्या, अभी घर से कर लिए थे आप लोग, कर लिए थे, अच्छा मैं कर ही दे रहा हूँ ना आपको, 3rd और 4th फटाफट मैं कर देता हूँ आपको, और इसके बाद आपकी एफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, देखिए ध्यान से, कल से मैं एफिशिएंसी बेस पर करवाऊंगा प्रैक्टिस आपका। क्वेश्चन में 23 बनाए थे क्या, चलो देखो एक आदमी 23 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे उसी काम को 80 में पूरा करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया होगा MDH वाला रूल, याद है M1 D1 और H1, M2 D2 और H2, वही रूल यहाँ भी यूज होगा, यहाँ भी वही रूल यूज होगा। अब इसका रूल कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं अगली क्लास में मतलब ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, अभी सोच देख लो यहाँ पर, मैं इसको भी पूरा कर लेता हूँ, क्वेश्चन में 3rd और 4th लास्ट बच गया था, उसके भी खत्म कर लेते हैं हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ आप उतना करो, एफिशिएंसी समझ में आ गई होगी अभी तक, या क्या होता है कार्य क्षमता। देखो ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, ए किसी काम को ए कैन डू ए वर्क इन 2 आवर्स, ए किसी काम को 2 घंटे मतलब ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, बी इसी काम के 3 गुना मतलब किस काम को, इसका 3 गुना,
पूरा कर देगा दिन में 8 घंटे में। बी इसी काम को 8 घंटे में पूरा करता है और सी उसी काम को मतलब 8 घंटे में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर ए कैन डू ए वर्क इन 2 आवर्स। याद कीजिए MDH वाला मैंने बताया था M1, D1 और H1। याद है आपको M2, D2 और H2। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, इस शुरुआत में दे दिया इसमें आपको, पहले रोक दिया था उसको ताकि मैं बाद में करवाऊँ आपको। देखो M1, D1, H1 और यह शो करेगा वर्क को, यह शो करेगा वर्क को W1 और W2। ये आगे भी बढ़ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बोलेगा मजदूर कि 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यह M1, D1, H1, M2, H2 कितना काम करेंगे उसको ऊपर मेंशन करना आप। तो यहाँ पर कहा क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि एक ये बोल रहा है कि एक इसी काम को 2 घंटे पूरा कर सकता है और बी इसी काम के 3 गुना काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है और सी इसी काम को 8 घंटे पूरा कर सकता है। तो आप क्या करेंगे पहले इसका एलसीएम निकाल दो इसका, है ना। इसका क्या करना, देखो हम लोग ए 1/A 3/ यह हो जाएगा B × 8 हो जाएगा और यह इस प्रकार से। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी का रेशियो निकाल दो। आपने एलिगेशन सॉरी इसमें रेशियो पढ़ा होगा, रेशियो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यह किस प्रकार से हम लोग रेशियो निकालते हैं या काम आप करना इसी पर निकालना। रेशियो निकालना मान लो 1, 2, 3 आ जाएगा, है ना। और यह काम निकालने के बाद आप किसी का भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको खुद बोल रहा है कि एक किसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में और सी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। किसी पर काम करेंगे आंसर आ जाएगा। यह आप एक रेशियो बेस पर काम है, आपको काम करना है। एक और कौन सा क्वेश्चन था बाबू आपका 4, सेम इसी प्रकार से है। ये रेशियो निकालना आपका, रेशियो निकालना आपका काम है। एक किसी काम को 20 दिन में, सेम इसी प्रकार से एक किसी काम को 20 दिन में, बी 5 दिन काम का लिखा ए कैन डू एनी वर्क इन 20 डेज, बी इन 5 डेज। इफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखो एक किसी काम को 20 दिन में कह रहा है, बी 5 दिन का समय लेता है, 5 दिन का समय लेता है, सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी मतलब यहाँ पर सी। तो आप क्या एक बात बताओ 20 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो यह क्या हो जाएगा 20 × 1 = 20, 5 × 1 = 20, ठीक है दोस्तों। तो यह बोल रहा है कि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ लगता है। तो एक साथ लगता मतलब क्या, 4 और 5, 5 को मैं डिवाइड करूँ तो कितना लगेगा 4 दिन। तो मतलब इसको सी को लगता है 4 दिन, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी 5 इन होगा। तो पूछ रहा आपसे क्या, तो वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो पूरे काम मतलब कौन सा काम, ये 20 काम। तो 5, 4, 9 और 1 = 10, 10 से डिवाइड कितना आ जाएगा 2-3। बस ये थोड़ा समझना था आपको क्या कि एक इसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो देखो 20 एलसीएम होगा और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 × 5, 5 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 4। इतना ही दिन सी लेता है समय, जितना दिन में ए और बी मिलकर साथ काम करते हैं उतना ही दिन में सी अकेले करता है, ठीक है दोस्त। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 5 ही नहीं आएगा। अब तीनों मिलकर बोला है, तीनों मिलकर मतलब क्या, ए बी सी बोला है, तो ए बी और सी को जोड़ दीजिए। तो 1, 4, 5, 5, 5, 10 से डिवाइड कितना आ जाएगा आपका 2 दिन आंसर, ठीक है। जो थर्ड वाला है फिर निकालना काम कर आंसर आ जाएगा आपका, नहीं बनेगा मैं अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा। चलो वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ दोस्तों, और मिलता हूँ फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।